वेल, कोविड-19 आने के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते हर किसी को अपने घर में इंटरनेट राउटर लगवाना पड़ता है, क्योंकि भाई जब घर से काम करना है तो घर पे अच्छा इंटरनेट तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है आपका इंटरनेट राउटर कितनी बिजली खर्च करता है? वेल, अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज हम खुलासा करेंगे कि आखिर आपका इंटरनेट राउटर कितनी बिजली इस्तेमाल करता है और आपके बिल में कितना एडिशन जो होता है वो पैसे का होता है। वेल, इतनी घबराने वाली बात भी नहीं है कि जितना आपका एसी या फिर अन्य अप्लायंसेस बिजली इस्तेमाल करते हैं उतनी बिजली ये राउटर इस्तेमाल नहीं करता है। वेल, हर एक इंटरनेट राउटर जो है वो लगभग 5 से 20 वॉट की रेंज में होता है। वेल, बिजली कंजम्पशन की बात करें तो राउटर जो है लगभग 5 से 7 वॉट बिजली जो है वो इस्तेमाल करता है। वहीं अगर आपका राउटर जो है 24 घंटे चलता है, लगभग सबके घर में 24 घंटे ही चलता है, तो वो महीने की 7300 वॉट बिजली का इस्तेमाल करता है। तो आप अपने एरिया के रेट के अकॉर्डिंग जो है इसको मल्टीप्लाई करके अपना बिजली का कंजम्पशन कि आखिर कितना बिजली का बिल में आपका राउटर का पैसा जुड़ रहा है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ टिप्स का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपका बिजली का बिल जो है वो कम हो सकता है। यानी कि अगर आप अपने राउटर को डायरेक्टली अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें तो उससे क्या होगा कि बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगे, बिजली का कम इस्तेमाल होगा, बिजली का बिल कम आएगा। साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तब आप उस राउटर को बंद कर दें। तो इन दोनों तरीकों को आप इस्तेमाल करें, इससे आपका बिजली का बिल जो कि स्पेसिफिकली इंटरनेट राउटर का है वो हर महीने काम आएगा। वेल, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट Trends9 पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।